किसका कोई हल नहीं है या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। तो इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो उसमें लाइक करें। तो आइए हम अपने पहले क्वेश्चन को हल तो ज्ञात करते हैं। तो हमारे पहले क्वेश्चन के हल को ज्ञात करने के लिए पहले लिखेंगे दिया है। हमारे पहले समीकरण में A1 बराबर 1, B1 बराबर -3, कमा C1 बराबर -3। अब हमारे दूसरे समीकरण में A2 बराबर 3, B2 बराबर -9, कमा C2 बराबर -2। तुलना करने पर तुलना करेंगे तो A1 बाई A2 बराबर हो जाएगा 1/3, कमा B1 बाई B2 बराबर हमारा हो जाएगा -3/-9। माइनस माइनस कट जाएगा और 3×3=9, तो हमारा हो जाएगा 1/3, कमा C1 बाई C2 हमारा हो जाएगा -3/-2। तो माइनस माइनस कट जाएंगे और 3/2 बच जाएगा। तो आप देख सकते हैं तो हमारे दो बराबर हैं और एक बराबर नहीं है। तो लिखेंगे चूंकि इसलिए A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 और बराबर नहीं है C1 बाई C2। तो आप देख सकते हैं ये इस प्रकार का है तो इसका कोई हल नहीं होगा। तो लिखेंगे अतः दी गई समीकरण के कोई हल नहीं है। यदि इसके एक हल होते तो इसका हम वज्र गुणनखंड विधि से बनाते हैं। ये हमारा आंसर है। तो आइए अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 के हलों को निकालते हैं। तो पहले समीकरण में लिखेंगे पहले दिया है। पहले समीकरण में A1 बराबर 2, B1 बराबर 1, तमा C1 बराबर 5, A2 बराबर 3, B2 बराबर 2, तमा C2 बराबर 8। तुलना करने पर तो हमारा हो जाएगा A1 बाई A2 बराबर हो जाएगा 2/3, कमा B1 बाई B2 बराबर हो जाएगा 1/2, कमा C1 बाई C2 बराबर हो जाएगा 5/8। आप देख सकते हैं किसी के भी मान बराबर नहीं है, लिखेंगे इसलिए A1 बाई A2 बराबर नहीं है B1 बाई B2 बराबर नहीं है C1 बाई C2। तो आप देख सकते हैं ये कुछ इस प्रकार का है। तो लिखेंगे अतः दी गई समीकरण के एक हल या अद्वितीय प्रियम हल है। अद्वितीय हल है। अब इसका अद्वितीय हल है तो हम इसे वज्र गुणनखंड विधि से ज्ञात करेंगे। वज्र गुणनखंड विधि से बनाने का तरीका है B1 और B2, फिर C1, C2, फिर A1, A2 और फिर B1, B2। और करते क्या है इसमें, B1 से C2 में गुणा करेंगे और B2 से C1 में, फिर C1 से A2 में और C2 से A1 में, फिर A1 से B2 में और A2 से B1 में, और इसके ऊपर X, इसके ऊपर Y और यहाँ पे A। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो पहले हम इसे लिख लेंगे 2X + Y - 5 के रूप में इसे लिख सकते हैं,
और इसे 3x प्लस 2y माइनस 8 के रूप में इसे भी लिख सकते हैं। अब हम इसे इस रूप में सजा लेंगे। तो पहले लिखेंगे यहां ए वन बराबर दो पहले समीकरण में, बी वन बराबर एक, सी वन बराबर माइनस पांच, ए टू बराबर दूसरे समीकरण में ए टू बराबर तीन, बी टू बराबर दो कमा सी टू बराबर माइनस आठ। अब हम इन मानों को इस रूप में सजा लेंगे। तो हमारा बी वन है एक और बी टू का मान है दो, फिर सी वन का मान है हमारा माइनस पांच और सी टू का मान है माइनस आठ, फिर हमारा ए वन का मान है दो और ए टू का मान है तीन, फिर बी वन का मान है एक और बी टू का मान है दो। अब इसमें तिरछा तिरछी गुणा कर लेंगे। यहाँ पे x, y और a लिख लेंगे। अब हम इसे हल करेंगे तो क्या करेंगे, लिख लेंगे x बटे पहले वाले से एक से माइनस आठ में गुणा करेंगे तो हमारा माइनस आठ होगा, और इससे इसमें गुणा करेंगे तो हमारा माइनस दस होगा, और इसको घटा लेंगे। इन दोनों के गुणांकों को घटाते हैं, अब होगा बराबर y बटे, और माइनस पांच से माइनस पांच से तीन में गुणा करेंगे तो हमारा होगा माइनस पंद्रह, और फिर माइनस आठ से दो में गुणा करेंगे तो हमारा होगा माइनस सोलह, और दोनों गुणांकों के मानों को फिर घटा लेंगे और बराबर में हमारा हो जाएगा एक बटे। अब क्या करेंगे, दो से दो में गुणा करेंगे तो हमारा चार आएगा, और तीन में एक से गुणा करेंगे तो हमारा तीन आएगा, और इन दोनों के गुणांकों को भी घटा लेंगे। अब इसे हम हल करेंगे तो हमारा हो जाएगा x बटे माइनस आठ प्लस दस बराबर y बटे माइनस पंद्रह प्लस सोलह बराबर एक बटे एक। तो हमारा हो जाएगा x बटे दो बराबर y बटे एक बराबर एक बटे एक। तो अब इसे हम समीकरण एक मान लेंगे, इसे दो और इसे तीन। अब हम एक व तीन से तो क्या करेंगे, समीकरण एक को और बराबर समीकरण तीन को लिख लेंगे, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई के रूप में तो तिरछा तिरछी गुणा कर लेंगे तो हमारा x का मान आ जाएगा दो, फिर समीकरण दो और तीन से व तीन से तो ये हमारा हो जाएगा y बटे एक बराबर एक बटे एक बराबर हमारा y का मान आ जाएगा एक, हमारा आंसर हो गया। तो आइए हम अपने तीसरे क्वेश्चन को बनाते हैं। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है 3x माइनस 5y बराबर 20 और 6x माइनस 10y बराबर 40। तो इसमें लिखेंगे, तो इसे हम 3x माइनस 5y माइनस 5y बराबर 20 है और 6x माइनस 10y बराबर 40। तो लिखेंगे यहाँ ए वन बराबर पहले समीकरण में बराबर 3, बी वन बराबर माइनस 5 कमा सी वन बराबर 20, और ए टू बराबर दूसरे समीकरण में 6 कमा बी टू बराबर माइनस 10 कमा सी टू बराबर 40। तुलना करने पर जब हम इनकी तुलना करेंगे तो हमारा होगा ए वन बाई ए टू, तो हमारा हो जाएगा 3 बटे 6 और ये कट जाएगा, हमारा हो जाएगा 1 बटे 2। बी वन बाई बी टू ये हो जाएगा माइनस 5 बटे माइनस 10 कट जाएगा, हो जाएगा 1 बटे 2। फिर सी वन बाई सी टू ये हो जाएगा 20 बटे 40, ये भी कट जाएगा, हमारा माना जाएगा 1 बटे 2। आप देख सकते हैं तीनों ही मान बराबर हैं, तो ये हो जाएगा, इसलिए a1 बाई a2
बराबर बी वन बाई बी टू और बराबर सी वन बाई सी टू। तो आप देख सकते हैं ये इस रूप का है, तो लिखेंगे अतः दी गई समीकरण के अनेक हल हैं, या कह सकते हैं अनगिनत हल है, तो हम इसका वज्रगुणनखंड विधि से नहीं निकालेंगे, क्योंकि जिसका द्वितीय हल होगा उसी का ही हम वज्रगुणनखंड विधि से निकालेंगे। ये हमारा आंसर हो गया। तो आइए हम अपने चौथे नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे दिया है, तो हमारे पहले समीकरण में ए वन बराबर एक, बी वन बराबर माइनस तीन, कमा सी वन बराबर माइनस सात, ए टू बराबर तीन, बी टू बराबर माइनस तीन, कमा सी टू बराबर माइनस पंद्रह। तुलना करने पर जब हम इनकी तुलना करेंगे तो हमारा हो जाएगा ए वन बाई ए टू, तो एक बटे तीन कमा बी वन बाई बी टू माइनस तीन बटे माइनस तीन, कट जाएगा हमारा एक आ जाएगा, कमा सी वन बाई सी टू बराबर माइनस सात बटे माइनस पंद्रह, माइनस माइनस कट जाएगा सात बटे पंद्रह बच जाएगा, तीनों के मान एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो लिखेंगे इसलिए ए वन बाई ए टू बराबर नहीं है बी वन बाई बी टू बराबर नहीं है सी वन बाई सी टू, तो इस रूप का होगा, तो इसके अनगिनत एक इसके अद्वितीय अथवा एक हल होंगे। लिखेंगे अतः दी गई समीकरण के एक हल या अद्वितीय हल होगा। तो अब हम इसे वज्रगुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे। तो आइए हम अपने चौथे क्वेश्चन का वज्रगुणनखंड विधि से सॉल्व करते हैं। तो इसमें होता क्या है वज्रगुणनखंड विधि में, बी वन बी टू सी वन सी टू ए वन ए टू और बी वन बी टू, तो करते हैं क्या, बी वन से सी टू में गुणा करते हैं और बी टू से सी वन में, सी वन से ए टू में और सी टू से ए वन में, और ए वन से बी टू में और ए टू से बी वन में, और लिखते हैं यहाँ पे एक्स वाई और एक। तो आइए हम इसको इस रूप में सजा लेते हैं। तो हमारा हो जाएगा बी वन का मान है माइनस तीन, बी टू का माइनस तीन, फिर हमारा सी वन का मान है माइनस सात और सी टू का मान है माइनस पंद्रह, ए वन का मान है एक और ए टू का मान है तीन, फिर बी वन का मान है माइनस तीन और बी टू का मान है माइनस तीन, और तीसरा तीसरी इसमें गुणा कर लेंगे, माइनस तीन है यहाँ पर एक्स वाई माइनस एक्स वाई और ए। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो हमारा हो जाएगा एक्स बटे माइनस तीन से माइनस पंद्रह में गुणा करेंगे तो पैतालीस, और माइनस तीन से माइनस सात में गुणा करेंगे तो हमारा इक्कीस आएगा, और दोनों के गुणा को हम घटा लेंगे, फिर बराबर वाई बटे, तो माइनस सात से तीन में गुणा करेंगे तो हमारा आएगा माइनस इक्कीस, माइनस पंद्रह से एक में गुणा करेंगे तो हमारा होगा माइनस पंद्रह, और दोनों के गुणा को घटा लेंगे फिर हमारा एक। अब लिखेंगे एक बटे एक से माइनस तीन में गुणा करेंगे तो हमारा माइनस तीन आएगा, और तीन से माइनस तीन में गुणा करेंगे तो हमारा माइनस नौ आएगा, और इनके भी गुणा को घटा लेंगे तो ऐसे सॉल्व करते हैं, तो हमारा आ जाएगा एक बटे चौबीस बराबर वाई बटे माइनस इक्कीस और ये प्लस पंद्रह बराबर एक बटे माइनस तीन माइनस प्लस नौ,
ये हो जाएगा एक्स बटे 24 और बराबर वाई बटे 6 माइनस 6 और बराबर 1 बटे हो जाएगा आपका 6। तो हमारा एक्स बटे, अब इसे समीकरण एक मान लेंगे, इसे दो मान लेंगे और इसे तीन मान लेंगे। अब समीकरण एक को तीन के बराबर करेंगे तो लिखेंगे एक व तीन से। तो हमारा एक है x बटे 24 और हमारा समीकरण तीन है 1/6। तो ये हमारा हो जाएगा 6x बराबर 24। तो हमारा x बराबर हो जाएगा 24/6, 6×24 x का मान 4 आ गया। अब हम अपने समीकरण दो को तीन के बराबर करेंगे, दो व तीन से। तो हमारा हो जाएगा y बटे माइनस 6 बराबर 1/6। तो हमारा हो जाएगा 6y बराबर माइनस 6। इसे हम सॉल्व कर, हमारा हो जाएगा 6y बराबर माइनस 6 और इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा y बराबर हो जाएगा माइनस 1। हमारा आंसर आ गया है।